हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग के अंदर। मैं आपका दोस्त ललित रॉय। तो गाइस, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है और मैं करूँगा आज खूब इंजॉय। और इंजॉय करने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि आज वैसे छोटा सा प्रोजेक्ट मेरे घर पे भी, मैं घर पे भी काम करता हूँ, तो मेरे छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं उसको क्लियर करूँगा आज। और फिर बच्चों के साथ भी करेंगे काफ़ी इंजॉय। और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और अब बच्चे नहा रहे हैं। और फिर आपको लेके जाएंगे किचन में। किचन में आज मम्मी ने कुछ स्पेशल चीज़ बनाई है मेरे लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, हम छुट्टियों का ले रहे हैं मज़ा। और मज़ा लेते टाइम ये देखो मेरी मम्मी ने बनाया है। मम्मी, ये क्या बनाया आपने? अरे उपमा बना रही बेटा। अच्छा, उपमा बना रहे हैं। ये बना उपमा। और यहाँ इसमें क्या, कुकर में इसमें छोले, काले छोले। इसमें काले छोले हैं, बड़ा टेस्टी लग रहा है। उपमा वगैरह खाते हैं और छोले के, काले छोले के चने सब्जी होती है तरी वाली। कई बारी तो छुट्टियों में जैसे आलू के पराठे बन गए, दाल के पराठे बन गए, हम ये चीज ज्यादा यूज करते हैं खाने में। और चलो प्लेट में निकालते हैं, खाते हैं। तो गाइस, हमारा नाश्ता हो गया तैयार और ये है हमारा, मेरा बेटा किरतात। किरतात, कैसा लगता है तुम्हें ये खाते हुए? बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छे से बैठते, शैतानी नहीं करते होते, अच्छा लगता है ना खाने में? चले फिर खाएं फटाफट, शुरू करते हैं ना। चलो फिर शुरू करो, तो आपको ले चलेंगे अपने सिस्टम में। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद अपना करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये वर्क ख़त्म हो जाए। तो जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि यहाँ गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे कर रहे हैं काम। ये है किरतार जो अपना मस्त काम कर रहा है, और ये है रिहांश जो पूरे मज़े में एकदम टूटे दांत दिखा के हंस रहा है फिलहाल तो, लेकिन काम बढ़िया ही करता है। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है इसकी। तो काकू, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई में क्या कर रहे हो? वन टू थ्री। डिक्टेशन है? मैथ का काम कर रहे हो आप? अच्छा, आप कर रहे हो मैथ का काम। और रिहांश, आप क्या कर रहे हो? मैं हिंदी का काम कर रहा हूँ। हिंदी का काम कर रहा है? अच्छा, हिंदी में क्या है? एक तीन पैरे हैं और एक वो है। वो क्या होता है? प्रश्न है। प्रश्न और उत्तर कर रहे हो? हाँ, और उसके उत्तर कर रहा हूँ मैं। तो छुट्टियों के काम सारे खत्म हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, सारे काम खत्म हो जाएंगे। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर अपने कहीं घूमने भी जाना है सबने। तो फिलहाल बच्चे लगे हुए हैं अपना होमवर्क करने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनका होमवर्क खत्म होता है एक सब्जेक्ट का। और फिर बच्चों के साथ इंजॉय भी तो करना है, शाम को चलेंगे बच्चों को लेके पार्क में और उनको वहाँ घुमाएंगे। अबे नहीं खुला था भाई नमकीन का डब्बा, तू खोल। अबे नहीं खुला था भाई, नहीं खुला था। तो गाइस, थोड़ा सा चीटिंग भी बन करना पड़ता है, जरूरी है। चलो चलो। तो आखिर में काकू जीत गया सारे कोटिया। ये तो गाइस, इसी पोयम के लिए एक लाइक तो बनती है, जरूर लाइक करिएगा। और अब हम यहाँ से, हमने
ये खेल लिया कैरम बोर्ड, अब हम चलते हैं पार्क, सारे जने तैयार हो के। तो हम जाएंगे, हमारे लुधियाना में रखबाग है, तो हम सारे वहाँ मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब इनको पार्क लेकर आऊँगा, आज मेरी छुट्टी थी, तो हमारे घर के पास ही एक पड़ता है, क्या नाम है इसका, रखबाग, रखबाग है, तो हम आ गए हैं सारे जने। ये है यहाँ की टॉय ट्रेन, कैसा लगा रियाज? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और काकू आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। पूरा ऊपर तक चढ़ना है? तो गाइस हमने ये टिकट ले चुकी है और सामने मिक्की माउस, और हम करेंगे अब यहाँ से एंट्री सीधा मिक्की माउस के अंदर। तो गाइस हमारे साथ यहाँ पे हो गया धोखा, हम लोग आए थे बच्चों के साथ, यहाँ पे टिकट ली हमने, टिकट ली और टिकट लेने के बाद थोड़ा सा मौसम हो गया ख़राब, आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया हुआ है। निकलते हैं फिर घर की तरफ, आज का टूर हमारा इतना ही था, बच्चों को ज़्यादा एंजॉय करवा नहीं पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो गया और ये टिकट हमारी रिटर्न कर नहीं रहे, तो जितना भी है बस यही झुलाया इनको, और बस अब हम घर की तरफ निकलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मम्मा को कौन खिलाएगा? मम्मा को।